राइट नाउ बाबू इज हैविंग सो मच फन, ही इज सो हैप्पी, उसको ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए गाइज हमारे घर के बाहर का व्यू कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी खिड़की से पूरा ये नज़ारा दिखता है और बहुत फ्रेश फ्रेश हवा आती है। और ये है बाबू का फेवरेट प्लेस, बाबू यहीं पे बैठता है और शेप्स गोट एंड काउ सब देखता है। यस, देसी वाली में है सिप और हमारे घर में भी है सिप। हमारे घर में सिप कहाँ है दिखा दो। ये है बाबू का फेवरेट प्लेस और ये इसको यहाँ बैठना बहुत पसंद है। नहीं गिर जाओगे, ऐसा नहीं करते। एंड हियर यू गो, ये हमारी बालकनी है बेडरूम वाली और बालकनी से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है जो कि आज बहुत ही सुहाना और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। क्लोजअप दिखाती हूँ। या ये हमारे बालकनी से बाहर का व्यू, हे गाइस गुड आफ्टरनून। सो आफ्टरनून से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अभी मेरा जो भी नहाना वगैरह हो चुका है एंड मैंने आपको थोड़ा क्लिपिंग दिखा दी कि यहाँ का कैसा रहता है। सो राइट नाउ मैं अपनी फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं की हूँ, जस्ट नहा के पूजा करके आई हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया है, खाना बन चुका है एंड आज का दिन आप लोगों के साथ चलिए कुछ ना कुछ शेयर करूँगी। सो आज का रैंडम ब्लॉग है, वैसे रैंडम ब्लॉग ही रहता है जब भी मन करा फ़ोन उठाओ और चालू हो जाओ इस टाइप का रहता है। तो अभी हो गया लंच का टाइम, बहुत तेज़ से भूख लगी है, पेट में ना चूहा गुड़गुड़ कर रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में आज मैंने क्या बनाया है। और आज लंच में बना है वो बाबू का फेवरेट बना है, वो है मटर पनीर। सो मटर पनीर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड या बाबू ने खा लिया है क्योंकि उतना लेट तक मैं उसको कभी रखती हूँ नहीं। और आज मुझे जाना है थोड़ा पार्लर अपने आईब्रोज बनवाने, बिकॉज गाइस 2 दिन बाद है मेरा बर्थडे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मेरा बर्थडे कब है, और अगर नहीं करते हैं तो जाओ फॉलो कर लो और देख लो मेरा बर्थडे कब है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड राइट नाउ। जो भी गिफ्ट्स रहेंगे बर्थडे के जो भी रहेंगे, सो वैसे तो अभी गिफ्ट मुझे आ चुके हैं, मुझे पता चल गया मतलब मेरा क्या गिफ्ट है, सब ऑनलाइन ऑर्डर था तो यहाँ गिफ्ट पूरे मुझे आ चुके हैं, बट मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, आप देख लीजिएगा बर्थडे वाले ब्लॉग में। एक छोटा सा झलक मैं आपको दिखाऊँगी और मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया है कि मेरे मतलब मुझे क्या गिफ्ट मिला है। आज उस बारे में बात ना करते हुए अपने बर्थडे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बस 2 दिन और है गाइस बर्थडे के लिए, फिर मेरा बर्थडे आ जाएगा और हम मस्ती करेंगे बहुत अच्छा लगता है जब किसी का बर्थडे रहता है ना, तो हम स्टेटस लगाते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, मतलब मैं तो सभी के बर्थडे में लगाती हूँ। सो लेकिन जब खुद का बर्थडे आता है तो एक कैसा रहता है पता है क्या, सुकून से बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है कि फ़ोटोज़ डालने हैं, स्टेटस लगाने, अरे ये फ़ोटो खोजो, अरे वो फ़ोटो खोजो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आराम से बैठो, 12 बजे का वेट करो, कॉल आएंगी, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है ना खुद को, मज़ा आ जाता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपने बर्थडे में। और जब मेरी बहनों का बर्थडे होता है या फिर मेरे हस्बैंड का, बच्चे का, किसी का भी बर्थडे हो, मुझे फ़ोटो ढूंढ ढूंढ के लगाना पड़ता है, अच्छे से गाने सेलेक्ट करने पड़ते हैं, वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, मतलब कितना सारा रहता है। फेसबुक में अपलोड करो, इंस्टा में अपलोड करो, वीडियोस बनाओ, माय गॉड। लेकिन खुद के बर्थडे में आराम से बैठो और वेट करो कौन सा कौन मतलब कौन क्या फ़ोटो लगा रहा है, और उसके नीचे जो कैप्शन है, हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे दीदी। वैसे मैं तो सबसे बड़ी हूँ घर में, घर की सबसे बड़ी लड़की, तो सब दीदी 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 एंड मेरे हस्बैंड भी। 12 बजे तो रेस लगी रहती है कौन विश करेगा कौन नहीं। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड और हो सकेगा तो मैं आपको शेयर जरूर करूँगी 12 बजे का क्लिप। तो या गाइस चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ मटर पनीर। सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा, मतलब ऊपर से देख के बता दो कैसा लगा है, कैसा लग रहा है आपको। और अगर पसंद आती है कमेंट, बाबू दरवाज़ा खटखटा रहा है, कमेंट करते हो तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनता है, रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मैं फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये है मटर पनीर। इसमें पनीर की क्वांटिटी थोड़ी कम दिखेगी क्योंकि पनीर थोड़ा सा ही बचा था जिसे मैंने मिक्स कर दिया है, तो खोजना पड़ेगा पनीर को। चलो, नहीं पनीर है
एंड चलिए फिर, भूख लग गई है सबको, सबको इतना सेंस, मुझे और मेरे हस्बैंड को, पापा तो खा लिया है तो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं खाने के बाद। सो गाइज, अभी हो चुकी है शाम और यहाँ पे इवनिंग में ना सब, मतलब यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है तो देखने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हम लोग बैल्कनी में कुर्सी डाल के क्रिकेट मैच देखते रहते हैं। सो अभी मेरे हबी और बाबू गए थे बाहर कुछ राशन किराना लेने, तो अभी वो आ गए हैं और बाबू इज़ सो हैप्पी, सो हैप्पी, क्योंकि उसे बाहर जाने मिला है और थोड़ा बहुत कुछ बस घर में सामान ख़त्म हो गया था तो वो लेके आए हैं, और थोड़ा सा बाबू का लेज ये वो जो भी है। सो चलिए मैं पहले सामान रख लेती हूँ, नहीं तो बाबू ना पूरा घर में फैला देगा। बाबू इज हैप्पी, बाबू आप हैप्पी हो? हे गाइस, सो अभी हो चुका है रात, मैं दोपहर से बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे आप लोगों से बात करने का, और अभी बज रहा है 9 और अभी आप मेरा फेस देख रहे हो पूरा ऑयली हो चुका है, बिकॉज बहुत यहाँ भी ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्म लग रहा है और थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा फेस इस टाइप का अजीब सा दिख रहा है शायद। सो या तो अभी इतना जो ऑयली फेस है इसकी वजह से पिंपल्स बहुत आ जाते हैं, अभी पिंपल्स आए थे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्पॉट, पिंपल्स के स्पॉट। सो इसके लिए गर्मी काफ़ी हो रही है तो पिंपल्स आना तो कॉमन सी बात है, सबको आते होंगे। एंड इस बार के पिंपल थोड़े बड़े आए थे मुझे, पता नहीं अजीब से पिंपल थे, पहली बार मुझे आए हैं लाइफ में। सो या अभी मैं जाके फेस वॉश कर लेती हूँ और शेयर करती हूँ आपके साथ एक फेस पैक, जो कि लगाने से आपको बहुत ही कूलिंग सूदिंग टाइप का इफेक्ट आपको स्किन में लगेगा और बहुत ही ठंडी हो जाती है स्किन और बहुत ही रिलैक्सेशन, मतलब आपको बहुत रिलैक्सेशन लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगेगा। अभी मैं जाके पहले तो अपना फेस वॉश करूँगी, कोई सा भी आप फेस वॉश यूज़ करें, एंड उसके बाद मैं फेस पैक अप्लाई करूँगी। आई थिंक किसी की शादी हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं। फेस पैक अप्लाई करूँगी और फेस पैक के लिए मैं चंदन फेस पैक अप्लाई करूँगी, बिकॉज चंदन में एक सूथिंग कूलिंग इफेक्ट रहता है। सो चलिए पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर फेस पैक बनाते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना एंड अच्छे से अपने फेस को ड्राई कर लिया है, एंड अभी भी मेरे आईब्रोज नहीं बने हैं बिकॉज मैं आज पार्लर नहीं जा पाई, बट कल मैं डेफिनेटली जाने वाली हूँ, और आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ मिलेगा बिकॉज बाबू देख रहा है मोबाइल। सो या चलिए बनाते हैं अभी हम अपना फेस पैक, चंदन फेस पैक, और इसे अप्लाई करने के बाद मैं बाबू को खाना खिला दूँगी डिनर। ओके गाइस, मैंने बना लिया अपना फेस पैक, ये रहा फेस पैक, चंदन का फेस पैक है, एल्स गुडनेस सैंडलवुड पाउडर है ये, जो कि मुझे फ्री गिफ्ट मिला था। इसे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे तो इसे मैं सूखने दूंगी ऐसे, और तब तक मैं बाबू को डिनर करवा लेती हूँ। देन इसे कैसे निकालना है मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। और मैं कहाँ दिखूँगा, और मैं ऐसे ही झुक जा। सो गाइस, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो मेरा फेस पैक है अच्छे से सूख गया है, तो इसे हमें कैसे वॉश करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे,
थोड़ा सा हल्का सा पानी लेके अपने फेस को गीला कर लेंगे हल्का सा, देन हम ना इसको स्क्रब करते हुए इसे वॉश करेंगे, मतलब हल्का हल्का राउंड राउंड मोशन में हम अपने फेस में इसे रब करेंगे और फिर हम अपने मतलब इसे ऐसे करते करते हम अपने जो ये फेस पैक है अपने चेहरे से इसको रिमूव कर लेंगे। सो मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है, मतलब पानी से ही किया है। कभी भी फेस पैक लगाने के बाद फेस वॉश डायरेक्टली ऐसे नहीं करना चाहिए, बस पानी से धो देना चाहिए। एंड मेरे हस्बैंड पीछे से एक्टिंग कर रहे हैं कैमरे के पीछे से, गलत जवाब। ओके गाइस, सो अभी बस सीरम और रोज वाटर जो भी है जैसे मैं स्किन रूटीन मैंने शेयर किया था वैसा करके करना है। तो या अभी खाना खा लेंगे, बहुत तेज़ से भूख लगी है गाइस, लेट हो रहा है क्योंकि 10:45 ऑलरेडी हो रहा है, आज थोड़ा लेट हो गया है। तो आज का ब्लॉग वहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये जो टिप्स है जो मैंने लास्ट में बताया ये यूज़फुल रही हो आपके लिए। ये फेस पैक आप यूज़ करके देखो, मतलब आपको फ़र्क दिखेगा। सो होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो इसे क्या करना है, एक लाइक कर देना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा। और अगर सब कर चुके हो तो बस बने रहो ब्लॉग में और देखते रहो। गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। सो या गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।